हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आरएन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट की क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूँ। लैब असिस्टेंट के सिलेबस के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख लेना, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि केमिस्ट्री के सिलेबस में कौन कौन सी यूनिट आप लोगों के लिए दे रखी है, ठीक है ना। लैब असिस्टेंट की मैं यूनिट नंबर फर्स्ट आप लोगों की स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है आवर्त सारणी एवं परमाणु गुणधर्म, मतलब पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखो, इसकी जितनी भी बेसिक केमिस्ट्री है वो पूरी बेसिक केमिस्ट्री में आप लोगों के लिए समझा दूंगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता दूंगा, तो यहां पर मैं किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करूंगा उसको मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और लास्ट में उस टॉपिक की मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप लोगों का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। इतना विश्वास मैं आप लोगों के लिए दिलाता हूं कि आप लोग मेरी रेगुलर क्लास लेते रहना, आप लोगों का केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। जितनी भी मैं क्लासे आप लोगों के लिए यहां पर रिप्रेजेंट करता चलूं, उन क्लासों को आप लेते रहो, ठीक है ना, और अपने नोट्स बनाते रहो। बाकी के आप लोगों के सभी नोट्स चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगे। तो जिन स्टूडेंटों ने अब तक चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट प्ले स्टोर से जाकर चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। वहां पर आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, और आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई चालू रखो, और यहां पर मैं जैसे कोई चीज पढ़ा रहा हूं और आप लोग अपने हिसाब से भी नोट्स बनाते चलो। जैसे कि माना कोई चीज आप लोगों को अच्छी लगी, वो तुरंत ही आप लोगों ने कॉपी में लिख ली, इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहो, जिससे कि एग्जाम टाइम में उनको रिवाइज करने में आप लोगों को कम टाइम लगे, ठीक है ना। बाकी की कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों को होती है तो कोचिंग का नंबर है, आप लोग कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, यहां पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए यह बता देता हूं कि आप लोगों को पता है कि एक परमाणु होता है, परमाणु में कोष होते हैं, कोष में उपकोष होती है, उपकोष में कक्षक होती है, और कक्षक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। देखो, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, जब हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो वहां पर आप लोगों को मैं परमाणु संरचना को एक बार आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होती है, ये आप लोगों की क्या होती है, परमाणु संरचना होती है। यहां पर लिख देता हूं चित्र, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो देखो, आप लोगों को पता है कि परमाणु संरचना के अंदर जो एक सेंटर पॉइंट होता है वो कौन होता है, आप लोगों का नाभिक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये आप लोगों का कौन हो गया, नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, नाभिक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। इस नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नाभिक न्यूक्लियस के अंदर कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन आप लोगों को उदासीन होता है, और प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये हम लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, आगे जाकर मैं इन चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। और ये आप लोगों का नाभिक न्यूक्लियस होती है, इसके चारों ओर ये कौन होते हैं, आप लोगों के कोष होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। इंग्लिश में इनको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो KLMNOP, ये जितने भी आप लोगों के होते हैं वो कौन होते हैं, कोष होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के कौन हो गए, कोष हो गए, जैसे कि KLMNOP, जो भी आप लोगों के इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है, कि परमाणु संरचना के अंदर नाभिक होती है, नाभिक में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों ओर कोष होते हैं, उन कोषों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कोषों के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। तो परमाणु में कोष होते हैं, कोष को हम KLMNOP इस तरीके से शो करते हैं। कोष में उपकोष होती है, और उपकोष को हम किससे शो करते हैं, SPD, जैसे कि मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं। देखो, आप लोगों के कोष होते हैं, कोष को हम किससे शो करते हैं, KLMN, ठीक है ना। कोष, कोष में कौन होती है आप लोगों की, उपकोष, सब सेल बोलते हो आप लोग, कोष में कौन होती है आप लोगों की, उपकोष, ये कौन हो गई आप लोगों की, उपकोष। उपकोष को हम शो करते हैं SPDF, ये कौन होती है, हमारी उपकोष होती है। और उपकोष में कौन होती है, कक्षक होती है, जिनको आप ऑर्बिटल बोलते हो। जैसे कि मैं बात करता हूं, एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक, पी के अंदर कितनी होती है, 3, डी के अंदर कितनी होती है, 5, और एफ के अंदर कितनी होती है, 7। तभी तो आप लोगों को पता है कि जो कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2, पी के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 3, डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10, और एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं नियमों के बारे में हम आगे जाकर डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को पता है एक कक्षक में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, एस की एक ऑर्बिटल होती है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 2 भर सकते हैं। पी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 3 होती है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम 6 भर सकते हैं। डी की कितनी इलेक्ट्रॉन और
डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5 ऑर्बिटल होती है, इनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, 10। एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है, 7 होती है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम कितने भर सकते हैं, 14 भर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो परमाणु संरचना के अंदर कोष होते हैं, कोष में उपकोष होती है, उपकोष में कच्चक होती है, कच्चक आप लोगों के लिए बता दी, एस की कितनी होती है, 1, पी की कितनी होती है, 3, डी की कितनी होती है, 5 और एफ की कितनी होती है, 7। और कच्चक में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर भाग लेते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं। तो देखो ये कच्चक और कच्चक के अंदर कौन होते हैं, आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि एस के अंदर आप लोगों के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, ठीक है ना, पी के अंदर कितने हो सकते हैं, 6, डी के अंदर कितने हो सकते हैं, 10, और एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि ये जितनी ज्यादा आप लोग बेसिक से चलोगे, ठीक है ना, उतनी ही अच्छी चीजें आप लोगों की समझ में आएंगी, और आगे जाके जैसे जैसे आपका बेसिक मजबूत होता जाएगा चीजें उतनी ही ज्यादा आसान हो जाएंगी। फिर आप लोगों से चाहे कोई छोटे लेवल का क्वेश्चन पूछे या बड़े लेवल का या मीडियम क्वेश्चन, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर प्रत्येक चीज को बहुत ज्यादा बेसिक से ले रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता लगा कि आखिरकार केमिस्ट्री होती क्या है। काफी स्टूडेंट को केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत टफ लगती है, टफ केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ही नहीं है, जिस तरीका से आप मेंटल रूप से थॉट बना लेते हो उसी तरीका से वो सब्जेक्ट ऐसी हो जाती है। अगर आप समझ समझ कर चलोगे ना, तो केमिस्ट्री बहुत ही सीधी सब्जेक्ट है आप लोगों की, ठीक है ना। बस ये है कि आप लोग जितनी ज्यादा बेसिक से पढ़ोगे चीजें उतनी ज्यादा आसान होंगी, सब्जेक्ट उतनी ज्यादा आप लोगों को सरल लगेगी। बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी मैंने आप लोगों के लिए परमाणु संरचना बताई है, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई है, उसमें मैंने क्या बात बताई है कि परमाणु का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जिसमें कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके चारों ओर जो सेल होते हैं, कोष होते हैं, उनमें कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन कौन सी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कोष, कोष में कौन होती है, उपकोष, उपकोष में कौन होती है, कच्चक और कच्चक में, कच्चक आप लोगों में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और किस तरीका से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप लोगों के सामने लिख रखे हैं। जैसे कोष हम किन को बोलते हैं, के एल एम एन, उपकोष हम किन को बोलते हैं, एस पी डी एफ, कच्चक जैसे एस की कितनी होती है, 1 होती है, पी की कितनी ऑर्बिटल होती है आप लोगों की, 3, डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5, एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है, 7। अब आप लोगों को पता है कि इन्हीं नियम को हम डिस्कशन करेंगे कि भाई जो आप लोगों की ऑर्बिटल होती है उनमें हम इलेक्ट्रॉन किस तरीका से भरते हैं। जैसे कि एस में 1 ऑर्बिटल होती है, और पाउली नियम के अनुसार एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो कॉमन सी बात है, एक ऑर्बिटल है तो एक में कितने मैक्सिमम भर सकते हैं, 2, तो 3 में कितने भर सकते हैं, 6, 5 में कितने भर सकते हैं, 7, सॉरी 5 में कितने भर सकते हैं, 10, और 7 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, तो बस इसी के बारे में हमें डिस्कशन करना है कि जो आप लोगों की ऑर्बिटल होती है उनमें हम इलेक्ट्रॉन किस तरीका से भरते हैं, उनके बारे में कुछ नियम दिए गए थे। अब वो नियम कौन कौन से, उन चारों नियमों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। आप लोगों की हेडिंग दे रखी है ना, कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, मतलब जो ऑर्बिटल होती है उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, ठीक है ना। उसके लिए चार रूल दिए गए थे, चार नियम दिए गए थे, उन चारों नियमों को मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, फिर उसके बाद में बारी बारी से एक एक का बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आप लोगों की सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो चारों नियमों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, देखिए आप लोग। पेन और कॉपी आप लोग हाथ में रखो, कोई भी चीज अगर आप लोगों को ऐसी लगी कि सर नहीं बहुत इंपॉर्टेंट बोलिए, उसी को तुरंत कॉपी के अंदर लिख लिया, ठीक है ना। कोई भी चीज अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगी उसको तुरंत ही कॉपी के अंदर मेंशन कर लेना आप लोग, जैसे कि एग्जाम टाइम में आप लोगों को रिवाइज करने में कम टाइम लगे। देखो मैं चारों नियमों को लिख देता हूं आप लोगों के सामने। पहला नियम है आप लोगों का उपव सिद्धांत, ओपवो सिद्धांत मतलब ओपवो प्रिंसिपल, ओपवो सिद्धांत मतलब ओपवो प्रिंसिपल। दूसरा आप लोगों को दे रखा है पाउली, पाउली का अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन नियम मतलब पाउली का एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है ना। तीसरे नंबर का आप लोगों को दे रखा है हुंड का अधिकतम मतलब मैक्सिमम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, अधिकतम हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, ठीक है ना, मतलब हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। जो चौथे नंबर का आप लोगों का रूल दे रखा है वो दे रखा है एन प्लस एल नियम, एन प्लस एल नियम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन चारों नियमों का अब मैं बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा।
देखिए इधर देखिए, मैंने अभी आप लोगों के सामने चार नियम लिखे हैं, चार रूल लिखे हैं कि भाई कक्षकों के अंदर मतलब ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से बढ़ते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में चार नियम दिए गए थे। चारों नियम आप लोगों के सामने, पहला नियम आप लोगों के सामने ओपुबो सिद्धांत मतलब ओपुबो प्रिंसिपल, दूसरा नियम है आप लोगों का पाउली का अपवर्जन नियम मतलब पाउली एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है ना। तीसरे नंबर का नियम दे रखा है आप लोगों का हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम मतलब हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चौथे नंबर का जो आप लोगों का रूल दे रखा है उसका नाम है एन प्लस एल नियम मतलब एन प्लस एल रूल। बात मेरी आप लोग समझ में आ गए, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार मैं फिर सभी स्टूडेंट के लिए बता देता हूं कि आप लोग केमिस्ट्री की अलग से कॉपी बना लो, ठीक है ना, और कॉपी और पेन को अपने साथ में रखो। अगर कोई भी चीज आप लोगों को ऐसे लगे कि यार सर ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई हम लोगों के लिए, उसको तुरंत ही आप लोग कॉपी में लिख लेना, क्योंकि इस चीज का फायदा यह रहेगा कि जब भी आप लोग कभी रिवाइज करोगे तो आप लोगों को कम टाइम लगेगा। और एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना कि किसी की क्लास को लेने के बाद अगर उसके नोट्स को पढ़ते तो बहुत आसान लगते हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि रेगुलर अपनी दिनचर्या बना लो। केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों को लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट का वहां पर बराबर रोल होगा। अगर केमिस्ट्री के आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा ये। सपोज करो केमिस्ट्री के वहां पर 30 या 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें आप लोगों के 28 या 30 क्वेश्चन सही हो गए तो ये बहुत अच्छी बात है। 28-30 क्वेश्चन किसको बोलते हैं, 32 या 33 क्वेश्चनों में से बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो ये सिलेक्शन के लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप एक एक चीज को समझते चलो, पेन कॉपी अपने साथ में रखो, कोई भी चीज अच्छी लगी उसको तुरंत लिख लेना। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो चारों नियम आप लोगों के सामने, ओपुबो सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन नियम मतलब पाउली एक्सक्लूजन लॉ, ठीक है ना, तीसरा हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम और चौथा एन प्लस एल नियम। सबसे पहले लेता हूं मैं ओपुबो सिद्धांत, क्या ओपुबो ने क्या बात बोली थी, तो देख लो ओपुबो सिद्धांत को देख लो। देखो जो ओपु ने बोली थी, ओपुबो ने यह बात बोली थी कि उस कक्षक के अंदर मतलब उस ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो ओपुबो ने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि उस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे जिसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो उसने कुछ ऑर्डर दिया था ऑर्बिटलों का, तो मैं उन ऑर्बिटलों को आप लोगों के सामने लिख देता हूं, ठीक है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बता दूंगा कि सबसे पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर किस में जाएगा, पूरा ऑर्डर लिख देता हूं मैं आप लोगों के सामने। तो ये नियम तो आप लोगों को समझ में आ गए ना, ओपुबो सिद्धांत कि क्या बात बोली थी कि उस ऑर्बिटल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो चलो देखो ऑर्डर को लिख देता हूं आप लोगों के सामने में। तो इधर देखिए, ये आप लोगों के लिए मैंने ऑर्डर लिख दिया, जो आप लोगों के उपकोष होते हैं सबसेल होते हैं उनका मैंने आप लोगों के सामने ऑर्डर लिख दिया। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए ओपुबो सिद्धांत को एक्सप्लेन कर देता हूं कि उस कक्षक के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो जो आप लोगों का ये ऑर्डर है ये बढ़ता हुआ क्रम है आप लोगों का, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लोगों का। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, बनेस की होती है, इसीलिए आप लोगों को पता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम बनेस में भरते हैं। जैसे कि मैं पहले नंबर का जो आप लोग एटॉमिक नंबर है वो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है ना, हम क्या लिखते हैं 1s1, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरते हैं, बनेस के अंदर भरते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बनेस की एनर्जी सबसे कम होती है और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम किस में भरते हैं, बनेस में भरते हैं, फिर 2s में, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, इस तरीका से हम इन ऑर्बिटलों के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ओपुबो सिद्धांत ने क्या बात बोली थी उसको लिख लेना और इस ऑर्डर को लिख लेना और याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों का सिद्धांत खत्म होता है। अब मैं दूसरे नंबर के सिद्धांत को लेता हूं, पाउली का अपवर्जन नियम। तो देख लो दूसरे नंबर के सिद्धांत को, पाउली का अपवर्जन नियम भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं कि पाउली ने क्या बात बोली थी। दूसरा नियम हो गया आप लोगों का पाउली का
अपवर्जन नियम मतलब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो पाउली नाम के साइंटिस्ट ने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि भाई एक कक्षक के अंदर मतलब एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों का जो चक्रण होगा स्पिन होगा वो क्या होगा, विपरीत होगा। एक आप लोगों का क्लॉकवाइज होगा और एक आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पाउली नाम के साइंटिस्ट ने एक बात बोली थी कि एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होता है स्पिन होता है वो क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब एक क्लॉकवाइज होगा दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा वो मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। देखो ये ऑर्बिटल है, ठीक है ना, जैसे एस ऑर्बिटल बना दी मैंने आप लोगों के सामने, क्योंकि आप लोगों को पता है एस में एक ही ऑर्बिटल होती है। तो देखो आप लोगों को पता है कि पाउली ने क्या बात बोली थी कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होगा, मतलब एक तो आप लोगों का क्लॉकवाइज होगा और एक आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज होगा। हिंदी में बोलूं तो एक आप लोगों का ये दक्षिणावर्त होगा और एक आप लोगों का वामावर्त होगा। इंग्लिश में एक आप लोगों का क्लॉकवाइज होगा, एक आप लोगों का एंटी क्लॉकवाइज होगा। मतलब पाउली के अनुसार ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन इस तरीका से भरते हो या इलेक्ट्रॉन आप लोग इस तरीका से भरते हो तो यह तरीका पूर्ण रूप से आप लोगों का गलत है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन हम कभी भी नहीं भरते, इसलिए ये दोनों तरीके आप लोगों के गलत है। तो पाउली के अनुसार कौन सा तरीका सही है, आप लोगों का ये तरीका सही है, क्योंकि एक कक्षक में हम अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण क्या होगा, विपरीत होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखना कि यह नियम हाइड्रोजन परमाणु पर लागू नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और नियम क्या बोल रहा है कि एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और दोनों का चक्रण क्या होगा, विपरीत होगा। लेकिन आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु पर यह नियम आप लोगों का लागू नहीं होगा। इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते चलो कि भाई कई ऑप्शन में आप तो इस तरीका से पूछा जाए कि पाउली का अपवर्जन नियम किस पर लागू नहीं होगा, तो वहां पर हाइड्रोजन ऑप्शन में आ जाए तो आप लोग हाइड्रोजन पर क्लिक कर देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और नियम क्या बोल रहा है कि एक कक्षक में अधिकतम दो इलेक्ट्रॉन भर सकता है, दोनों का चक्र क्या होगा, विपरीत होगा। बात आप लोगों की समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों का दूसरे नंबर का नियम भी खत्म होता है। अब मैं तीसरे नंबर का नियम ले लेता हूं, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, मतलब आप लोगों का मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का नियम। तो देख लो तीसरे नंबर के नियम को भी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। हुंड का तीसरे नंबर का आप लोगों का नियम हो गया हुंड का अधिकतम, हुंड का अधिकतम बहुलकता, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। तो देखो हुंड के रूल को भी देख लो, तो हुंड ने क्या बात बोली थी भाई, ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों से रेस्पेक्ट में हम रूल पढ़ रहे हैं, नियम पढ़ रहे हैं, तो हुंड ने क्या बात बोली थी, हुंड ने ये बात बोली थी कि जब तक सभी मतलब किसी भी उपकोष की जो ऑर्बिटल है उनके अंदर जब तक हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट नहीं करते तब तक सभी कक्षकों में हम एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर दें। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, एक बार फिर से बता देता हूं हुंड ने क्या बात बोली थी। हुंड ने ये बात बोली थी कि जो आप लोगों की उपकोष होते हैं, उपकोष में आप लोगों को पता सभी जो ऑर्बिटल होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर उनकी एनर्जी सेम होती है तो उन सभी ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए तब तक उनका युग्मन स्टार्ट नहीं करते, उनकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते। कैसे, एग्जांपल लेता हूं, जैसा कि मैं बात करता हूं यहां पर आप लोगों के लिए P3 की, ये आप लोगों का P3 है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि P की कितनी ऑर्बिटल होती है, तीन ऑर्बिटल होती है, एक PX होती है, PY होती है और PZ होती है। जैसे कि मैंने यहां पर P की तीन ऑर्बिटल आप लोगों के सामने लिख दी, ये है P की तीन ऑर्बिटल, इधर अलग लिख दी, इधर अलग लिख दी। अब देखो उसने क्या बात बोली थी हुंड ने, हुंड ने ये बात बोली थी कि आप लोगों को पता है ये PX हो गई, ये PY हो गई और PZ हो गई, ठीक है ना। इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, तीनों की एनर्जी सेम होती है। तो जब तक इन सभी ऑर्बिटलों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाता तब तक इनकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं,
कर सकते। जैसे कि ये तरीका आप लोगों का बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हुंडी रूल के अनुसार बिल्कुल सही है। अगर हम चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो आप चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, छठा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका इलेक्ट्रॉन भरने का आप लोगों का सही है। कौन से नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो हुंड रूल के अनुसार आप लोग सभी ऑर्बिटलों के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो। जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया P6 की बात कर लेता हूं, ठीक है ना, P3 और P6 की बात कर लेता हूं। तो P3 का तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, P3 का हो गया। अब P6 का लिखता हूं तो देखो तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, अब इनका युग्मन पेयरिंग स्टार्ट कर दो। ये आप लोगों का चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोगों का पांचवा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आप लोगों का छठा इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसमें आप लोगों के दोनों ही नियम फॉलो हो गए, ठीक है ना। इसमें हुंड का नियम भी आ गया, पाउली का अपवर्जन नियम भी आ गया। पाउली ने क्या बात बोली थी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण होगा, स्पिन होगा, वो क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो देखो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये तरीका आप लोगों का बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भरते हो, जैसे यहां पर आप लोगों ने P4 कहा है, ठीक है ना, और P4 आप लोगों ने इस तरीका से भर दिया, ये आपने इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ये तरीका आप लोगों का बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये ऑर्बिटल आप लोगों की खाली पड़ी हुई है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसी P4 को जो सही तरीका क्या होगा, सही तरीका ये होगा आप लोगों का, पहले तीन इलेक्ट्रॉन भर दो, भर दिए तीन इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन आप लोगों को इस तरीका से जाएगा। अब ये तरीका सही है, ठीक है ना। लेकिन इस कंडीशन में ये जो तरीका है ना आप लोगों का, ये तरीका बिल्कुल गलत है। कौन से नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये तरीका इलेक्ट्रॉन भरने का आप लोगों का सही है, और ये तरीका इलेक्ट्रॉन भरने का आप लोगों का बिल्कुल गलत है। कौन से नियम के अनुसार? हुंड के नियम के अनुसार। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये हुंड का नियम आप लोगों का खत्म होता है, ठीक है ना। हुंड के नियम में एक बात आप ध्यान में रखना कि हुंड के नियम की से हम किसी भी परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, अनपढ़ इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम ज्ञात कर सकते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं तीसरे नियम को लेता हूं, जो है आप लोगों का N+N नियम। सॉरी, तीसरा तो गया, चौथे नियम को लेता हूं। चौथा नियम है आप लोगों का, उसका नाम है N+L नियम, ठीक है। तो देख लो, उस N+L नियम को भी बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो आप लोगों को जो चौथे नंबर का नियम है उसका नाम है N+L नियम, N+L नियम, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझना। तो देखो N+L नियम आप लोगों का क्या है, N+L नियम के अनुसार उस ऑर्बिटल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए N+ और L का मान क्या होगा, कम होगा। बात आप लोग समझ में आ गई, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। N+L नियम के अनुसार उस ऑर्बिटल में हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए N+L का मान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि N+L का मान कम होगा तो उनकी एनर्जी क्या होगी, आप लोगों की कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो कॉमन सी बात है उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, और इलेक्ट्रॉन हमेशा उसी ऑर्बिटल में पहला जाता है जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा का रिलेशन स्थायित्व से, मतलब एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी जितनी ज्यादा एनर्जी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती है, या ऐसे बोल सकता हूं जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये नियम आ गए ना आप लोगों को समझ में, कि जिस के लिए, जिस ऑर्बिटल के लिए, जिस कक्षक के लिए N+L का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए, मैं एग्जांपल ले लिया मैंने आप लोगों के लिए 2s, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले लिया मैंने 2s और 2p ले लिया। यहां पर किसको ले लिया, 2s और 2p ले लिया। अब हम लोगों को यह देखना है कि पहले इलेक्ट्रॉन 2s में भरेंगे या 2p में भरेंगे, कौन से नियम के अनुसार, N+L नियम के अनुसार। तो देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये लिख देता हूं, तो जो L के मान होते हैं ऑर्बिटलों के लिए वो क्या होते हैं, S, P, D, F, ठीक है ना। यहां पर L बराबर S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, P के लिए कितनी होती है, 1, D के लिए कितनी होती है, 2, और F के लिए कितनी होती है, 3। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये आप लोगों के उपकोष है, सेल है आप लोगों के, ठीक है ना। इसके अंदर आप लोगों के लिए S के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 0, P के लिए कितनी होती है, 1, D के लिए कितनी होती है, 2, और F के लिए कितनी होती है, 3। ये बात आप लोग समझ में आ गई ना। और नियम क्या बोल रहा है, नियम ये बोल रहा है कि जिसके लिए N+L का मान कम होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे।
तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो नंबर को शो करता है ना, नंबर को संख्या को शो करता है, वो तो एम का मान होगा, और जो आप लोगों की ऑर्बिटल है या जो आप लोगों ये उपकोष है, ये किसको शो करेगा, एल को शो करेगा। जैसे कि यहां पर ये 2s और 2p लिखे हैं मैंने आप लोगों के सामने, तो जो पहली संख्या है ना, पहली संख्या हमेशा किसको शो करती है, एम के मान को शो करती है, और ये जो दूसरी है ये किसको शो करती है, एल को शो करती है, और इनका ही हम लोगों को टोटल देखना है। तो देखो यहाँ पर 2s है तो पहली वैल्यू किसकी हो गई, एम की हो गई, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2, और आप लोग देखो एल के लिए एस की वैल्यू कितनी आप लोगों की, 0 हुई, तो यहाँ पर टोटल आप लोगों का कितना हो गया, 2 हो गया। अरे सही है ना, जैसे 2s के लिए एन प्लस एल का मान देखोगे तो 2 आप लोगों ने ये लिख दिया, क्योंकि जो पहली संख्या वो किसको शो करती है, एन के मान को शो करती है, ठीक है ना, और ये किसको शो करती है, एल को शो करती है, तो एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो टोटल इनका कितना हो गया, 2 हो गया। चलो 2p की बात कर लेते हैं, तो वही आप लोगों का एन प्लस एल हो गया, पहली संख्या किसको शो करती है, एल को शो करती है, यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 2 लिख दिया, और देखो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 और 1 कितने होते हैं आप लोगों के, 3 होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, नियम क्या बोल रहा है, नियम ये बोल रहा है कि जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इलेक्ट्रॉन हम पहले उसी में भरते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है ना, उपवो सिद्धांत के अनुसार जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को पढ़ाया था। तो कॉमन सी बात है, पहले इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे, 2s में भरेंगे, 2s में इसलिए भरेंगे क्योंकि n प्लस l का मान 2s के लिए क्या है, कम है, और जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे, 2s में भरेंगे, 2s में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर हम किसमें भरेंगे, 2p में भरेंगे। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अगली कंडीशन ऐसी हो गई कि n प्लस l का मान अगर किसी के लिए बराबर हुआ तो फिर इलेक्ट्रॉन किसमें भरेंगे, बात मेरी समझ रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहां पर तो हम लोगों ने बोल दिया कि जिस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर देंगे, लेकिन अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए n प्लस l का मान बराबर हुआ तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी n प्लस l का मान बराबर हो ना, तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं जिसके लिए स्मॉल n का मान कम होगा, इस स्मॉल n का मान जिस ऑर्बिटल के लिए कम होगा ना उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गई, एक बार फिर से बता देता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर n प्लस l का मान किसी ऑर्बिटल के लिए बराबर हुआ तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे, मतलब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके लिए स्मॉल n का मान क्या होगा, कम होगा। चलो देख लेते हैं एग्जांपल, तो देखो एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं शो कर देता हूं, ये एग्जांपल नंबर आप लोगों का सेकंड हो जाएगा। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल नंबर सेकंड ले लेता हूं आप लोगों का, सेकंड एग्जांपल आप लोगों का ये होगा यार, 3p लिख दिया और मैंने आप लोगों के सामने 4s लिख दिया। चलो ठीक है, इनके लिए n प्लस l का मान हम लोग देख लेते हैं, तो वही n प्लस l, इसके लिए n प्लस l देख लो। तो देखो आप लोगों को पता है यहां पर n का मान कितना है, 3, और आप लोगों को पता पी के लिए एल की वैल्यू कितनी है, 1, तो टोटल यहां पर आप लोगों को कितने हो गए, 4 हो गए। बात करता हूं मैं इसकी, तो 4 आप लोगों के ये हो गए, और एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहां पर भी आप लोगों को कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं, मतलब दोनों जगह पर एन प्लस एल का मान क्या हो गया, समान हो गया। तो अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरे, क्योंकि यहां पर तो n प्लस l का मान क्या हुआ है, बराबर हुआ है, तो नियम क्या बोल रहा है कि उस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए स्मॉल n का मान कम होगा। तो देखो स्मॉल n का मान यहां पर कितना है, 3, और स्मॉल n का मान यहां पर कितना है, 4। बात समझ में आ गई ना, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे, 3p के अंदर, क्योंकि इसके लिए स्मॉल n का मान कम होता है, और जिसके लिए स्मॉल n का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे, 3p में भरेंगे, 3p में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर हम किसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4s में भरेंगे। ये नियम खत्म होता है आप लोगों का n प्लस l नियम। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जिन ऑर्बिटलों के लिए n प्लस l का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, और अगर n प्लस l का मान बराबर हो गया तो उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे जिसके लिए स्मॉल n का मान कम होगा। समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चारों नियम आप लोगों के मैंने बिल्कुल समझा दी, पहला उपवो सिद्धांत कंप्लीट हो गया, दूसरा पाउली का अपवर्जन नियम कंप्लीट हो गया, तीसरा हुंड का नियम कंप्लीट हो गया, चौथा एन प्लस एल नियम भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो एक टॉपिक और है, उसको भी मैं इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा देता हूं, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, मतलब जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो ऑर्बिटल होती है ना उनकी स्टेबिलिटी किस तरीका से होती है, ठीक है ना, उसको भी मैं इसी लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो अगली हेडिंग डाल देता हूं, अर्धपूरित एवं पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, उसको भी देख लो।
अगली हेडिंग हो गई आप लोगों की अर्धपूरित तथा अर्धपूरित तथा पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व, मतलब जो हाफ पेंड और फुल पेंड ऑर्बिटल होती है उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से देखनी है वो भी मैं आप लोगों के लिए समझा देता हूं। तो देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, अब आप लोगों को एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आप लोगों की अर्धपूरित कक्षक होती है और जो आप लोगों की पूर्ण पूरित कक्षक होती है इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू अपूर्ण कक्षकों के, मतलब जिनके अंदर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के सामने। आप लोगों को पता है कि एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होती है, तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल होती है, तीन ऑर्बिटल होती है, तो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, छह इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, पांच ऑर्बिटल होती है, तो पांच में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दस इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और एफ की कितनी ऑर्बिटल होती है, सात ऑर्बिटल होती है, तो उनमें हम चौदह इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे कि पूर्ण पूरित कक्षक में ऐसे लिख देता हूं, ये आप लोगों की पूर्ण पूरित कक्षक हो गई एच टू पी सिक्स डी टेन और एफ चौदह, ये आप लोगों की कौन सी कक्षक हो गई, पूर्ण पूरित। लेकिन बात करता हूं मैं अर्धपूरित कक्षकों की, तो देखो एस वन यहां पर पी थ्री और आप लोगों की डी फोर डी फाइव और आप लोगों की एफ सेवन, ये आप लोगों की कौन हो गई, अर्धपूरित कक्षक। तो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि जो पूर्ण पूरित कक्षक होती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है ना। पूर्ण पूरित जो ऑर्बिटल होती हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं, इसीलिए एस टू पी सिक्स डी टेन एफ चौदह ये ऑर्बिटल होती है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। फिर इनसे कम किन की होती है, अर्धपूरित कक्षकों की, ठीक है ना। और सबसे कम किन की होती है, अपूर्ण कक्षकों की। तो इनके अलावा जो भी आप लोगों के इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब किसमें हो जाएंगे, अपूर्ण में। जैसे कि आप लोगों के एस में तो आप लोगों के दो केस है, पहला केस तो कौन हो गया, अर्धपूरित, दूसरा केस कौन हो गया, पूर्ण पूरित। लेकिन बात करता हूं मैं आप लोगों के पी ऑर्बिटल की, तो पी थ्री और पी सिक्स ये तो स्टेबल है क्योंकि ये आप लोगों का पूर्ण पूरित है, वो आप लोगों का अर्धपूरित है। लेकिन इनके अलावा जैसे पी वन हुई, पी टू हुई, पी फोर हुई, पी फाइव हुई, ये सब कौन होते हैं, अनस्टेबल, क्योंकि ये कौन होती है, आप लोगों की अपूर्ण कक्षक। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो किन की होती है, पूर्ण पूरित कक्षकों की। पूर्ण पूरित कक्षकों की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, पूर्ण पूरित कक्षक, ठीक है ना। इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, इनसे कम किन की होती है, अर्धपूरित कक्षकों की। अर्धपूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षकों की स्टेबिलिटी इनसे कम होती है। और सबसे कम जो स्टेबिलिटी होती है वो किन की होती है, अपूर्ण कक्षकों की। अपूर्ण कक्षकों की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बात मेरी आप लोगों को समझ में आ गई ना। इसीलिए एस टू पी सिक्स डी टेन एफ चौदह ऑर्बिटल होती है वो क्या होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। उनसे कम कौन होती है आपको की, अर्धपूरित कक्षक, जैसे एस वन पी थ्री डी फाइव एफ सेवन, ठीक है ना। और जो अपूर्ण कक्षक होती है उनकी स्टेबिलिटी सबसे कम होती है। बात आप लोगों को समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कभी कभी आप लोगों ने यह भी देखा है कि अगर माना कि दोनों ऑर्बिटलों की एनर्जी लगभग बराबर हुई तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाने के प्रयास करते हैं, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि हर एक अनस्टेबल चीज कहां की ओर जाने की ओर कोशिश करते हैं, स्टेबिलिटी की ओर। बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे कि मैं यहां पर एक कॉन्फिगरेशन लिख देता हूं आप लोगों के सामने, ध्यान से समझना, भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से भी जो ऑर्बिटल होती है वो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन लाने का प्रयास करती है, कैसे करती है वो भी आप लोग देख लो। जैसे कि मैं यहाँ पर 24 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिख देता हूँ, ये आप लोगों का क्रोमियम होता है, 24 का आप लोगों को कौन होता है, सीआर होता है, क्रोमियम होता है। इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन दो तरीका से लिख सकते हैं, पहला तरीका ये हो गया आप लोगों का, यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ये हो गया ए आर अठारह, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए ए आर अठारह 3d4 और यहां पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 4s2, ठीक है ना। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी मैंने आप लोगों से क्या बोली है कि जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसकी होती है, अर्धपूरित कक्षकों की, सबसे कम किसकी होती है, अपूर्ण कक्षकों की। तो आप लोगों को पता है ये तो पूर्ण पूरित कक्षक है तो ये तो स्टेबल है, लेकिन आप लोगों को पता है ये जो 3d4 है ये आप लोगों का अपूर्ण कक्षक हो गई, मतलब ये अपूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया, तो आप लोगों को पता है ये अनस्टेबल है। लेकिन ये 3d और 4s की एनर्जी के अंदर इतना कम डिफरेंस होता है कि ये आसानी से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इस वक्त ये कॉन्फिगरेशन है वो कौन है, अनस्टेबल, क्योंकि ये तो स्टेबल है लेकिन ये अनस्टेबल है, तो
कॉमन सी बात है, पूरा ही क्या हो गया आप लोगों का अनस्टेबल हो गया है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान कर ले, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले दे ले, तो आप लोगों को पता है ये अनस्टेबल जो आप लोगों का कॉन्फिगरेशन है ये स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर ये 4s एक इलेक्ट्रॉन इस 3d को दे तो अगला कॉन्फिगरेशन कौन सा हो जाएगा आप लोगों का, 3d5 और 4s1। अब ये भी स्टेबल है आप लोगों का, ये भी स्टेबल है क्योंकि ये भी अर्धपूरित है आप लोगों का और ये भी अर्धपूरित है, और आप लोगों को पता है दोनों ही अर्धपूरित है। इसीलिए जो क्रोमियम होता है उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास को हम सबने पढ़ा है क्या होता है कि भाई ये अपवाद होता है। अपवाद क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है ये आप लोगों का सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अनस्टेबल है। और इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आप लोगों का बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन विन्यास आप लोगों का स्टेबल। इसलिए हम क्या लिखते हैं, क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास AR18 3D5 और 4S1। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। तो एग्जाम में अगर इस तरीका से आप लोगों से ऑप्शन पूछ ले कि भाई क्रोमियम का निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन विन्यास सही है, तो आप लोग इस बारे पर क्लिक करना क्योंकि ये बिल्कुल आप लोगों का सही है, ठीक है ना। एक और ले लेता हूं मैं, जैसे कि यहां पर ले लेता हूं मैं, ये तो क्रोमियम का हो गया, यहीं पे मैं ले लेता हूं आप लोगों का कॉपर का। कॉपर का कितना होता है, 29 होता है, तो दोनों को लिख देता हूं। एक तो होता है AR18, ठीक है ना, 3D9 और ये लिख दिया मैंने 4S2, 3D9 4S2। आपको पता है ये तो स्टेबल है क्योंकि S में दो इलेक्ट्रॉन है, ये तो पूर्ण पूरित है। लेकिन बात करता हूँ 3D9 की, तो 3D9 आप लोगों की अपूर्ण कक्षक हुई, भाई 9 इलेक्ट्रॉन है तो अपूर्ण कक्षक हुई आप लोगों की। इसका मतलब ये तो आप लोगों का स्टेबल है लेकिन अनस्टेबल है, तो क्या करें। तो इस 3D और 4S की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो बहुत ही कम होता है। बहुत कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेंगे, अर्थात 4S अपना एक इलेक्ट्रॉन किसके लिए दे देगा, 3D के लिए। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 3D10। तो ये कंडीशन हो जाएगी आप लोगों का। अगला कॉन्फिगरेशन AR18 यहाँ पर ले तो 3D10 और ये हो गया आप लोगों का 4S1। अब आप लोगों को पता है ये तो अर्धपूरित है और ये पूर्ण पूरित है, मतलब ये हुआ कि ये कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसलिए जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास सही होता है 3D10 4S1, क्योंकि ये पूर्ण पूरित हुआ, ये अर्धपूरित हुआ। और अभी आप लोगों के लिए बताइए कि पूर्ण पूरित जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल कौन होता है आप लोगों का अर्धपूरित, और सबसे कम कौन होता है आप लोगों का अपूर्ण। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये लेक्चर आज का आप लोगों का कंप्लीट होता, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखूंगा। जितने भी स्टूडेंट है मेरे से बने रहें, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड है उन सभी फ्रेंडों के बीच में आप लोग लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।